एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के साथ या फिर हर किसी के साथ, वाई दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ और वाई दे डू नॉट सक्सीड इन देयर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और जिसकी भी चीज़ें वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिपरेशन तब जब और कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा। देखिए, एग्जामिनेशन के टाइम पर, जैसे कि लेट अस सपोज कि एक महीने बाद गेट का एग्ज़ाम है या फिर एक महीने बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो लोग तब जागते हैं जब बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे होता है। देखिए, एक जो टॉपर होता है ना, टॉपर जो है वो तीन बार प्रिपेयर करता है। पहली बार तब जब टीचर पढ़ा रहा होता है या फिर पहली बार तब जो उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, बाकी कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा। दूसरी बार तब जब एग्ज़ाम आने वाला है और तीसरी बार जब एग्ज़ाम आ गया है। अब इशू क्या है स्टूडेंट्स के साथ कि वो लोग इस समय पर, जैसे कि अभी पिछला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ठीक है, जैसे कि या फिर अगर हमारा गेट का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो लोग तब प्रिपेयर करेंगे जब एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सिर पर होता है, जिस समय पर टाइम निकल चुका होता है। तो एक हिंदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, अब करिए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस समय पर आप ऑलरेडी इस पोजीशन में आ चुके हो कि अब आप प्रिपेयर करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय पर प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा। आपको प्रिपरेशन उस समय पर स्टार्ट करना है जब आपके पास टाइम है, ठीक है। देखिए, अगर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात करता हूँ, पिछले 5 नवंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अब होता क्या स्टूडेंट्स के साथ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उन्होंने रेस्ट लिया, बस वो जाके रेस्ट पे सो गए, एक महीना दो महीना कुछ नहीं है। और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से एक महीना पहले वो लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। एक महीना पहले उनको याद आएगा कि यार मुझे तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी, ठीक है। तो एक महीना पहले वो लोगों को याद आएगा यार मुझे तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी। अगर कोई बच्चा गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो एक महीना पहले उसको याद आएगा कि यार मुझे तो गेट की भी तैयारी करनी थी, है ना। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। और जब आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, तो वो उस समय प्रिपरेशन करिए जब कोई प्रिपरेशन नहीं करता। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक जो टॉपर है, हर एक सक्सेसफुल पर्सन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता है, वो उसका वो ये कहता है कि 99% ऑफ योर टाइम, 99.99% ऑफ योर टाइम इज़ योर प्रिपरेशन। चाहे वो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, एक ओलंपिक का अगर आप बोलते हो कि एक रनर है, अगर जो रनर है वो अपनी लाइफ की 20 ईयर्स प्रिपेयर करता है एक 10 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए। अब एक एथलीट है, चाहे वो एक टॉपर ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो आईएएस एग्जाम का टॉपर है, उस आईएएस एग्जाम के टॉपर ने अभी से पिछले एक साल से प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया। जो प्रिपरेशन है जिस वजह से वो टॉप किया है, उसकी पिछले काफ़ी सालों की मेहनत है। अगर आप ये करेंगे कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने या 1 महीना पहले आपको ये याद आएगा कि हाँ मुझे अब तैयारी करनी है, तो कभी भी ये लिख के चलिए, आप कभी भी एग्ज़ाम को टॉप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम को टॉप करने के लिए, अच्छे रैंक को स्कोर करने के लिए, आपको तब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जब कोई और प्रिपेयर नहीं कर रहा, है ना। सो सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, वेरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग कहते हैं कि टॉपर्स डू थिंग्स डिफरेंटली एंड दे डू थिंग्स व्हेन नोबडी एल्स इज डूइंग। दे डू सो मच अमाउंट ऑफ एफर्ट, सो सिकनिंग अमाउंट ऑफ एफर्ट विच नो वन एल्स इज डूइंग, दैट इज़ वाई दे आर टॉपर्स। टॉपर्स को, टॉपर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता कि भाई नींद से उठे और टॉपर बन गए, या फिर 1 महीने या 2 महीने की तैयारी करी और वो टॉपर बन गए। उसको टॉपर बनने के लिए उसको जो मेहनत चाहिए, जो प्रिपरेशन चाहिए, जो उसके लिए एफर्ट देना पड़ता है, जो डेडिकेशन देनी पड़ती है, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इफ़ यू कैनॉट शो दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, इफ़ यू कैनॉट शो दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन, देन हाउ कैन यू ड्रीम योर सेल्फ टू बिकम अ टॉपर, या फिर हाउ कैन यू ड्रीम योर सेल्फ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इशू यही है, सबसे बड़ा इशू है। देखो, मैं आई एम फ्रॉम ए कोचिंग इंडस्ट्री, राइट, और इस समय पर वी गेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम से 2 महीना पहले होता है, 2 महीना पहले लोगों को याद आता है कि हाँ भाई एग्जाम भी था कुछ और मुझे पढ़ाई करनी है। तो जब सब कुछ निकल चुका है तब वो भगते, चलो सर कहीं से वीडियो लेक्चर्स ले लेते हैं, कहीं से कुछ मटेरियल मुझे मिल जाए पढ़ाई करने का, तब वो मटेरियल्स को ढूंढते हैं। लेकिन यार तुम तब मटेरियल्स क्यों नहीं ढूंढते जब तुम्हारे पास टाइम है। अभी अगर कोई यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएगा, जैसे पिछला 5 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ, प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल लोग सो गए हैं, ठीक है। लोग तब जागेंगे जब उनको एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, लोग तब जागेंगे जब उन एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएगा, ठीक है। गेट के जो बच्चे हैं लोग तब जागेंगे जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएगा, तो उसका बेनिफिट क्या है। आपको
प्रिपरेशन पहले से ही करनी है। अगर अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है एग्ज़ाम के लिए। अब ये इमेजिन करके चलो कि गेट के अंदर हमारे पास 10.5 से 11 लाख जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, इन सभी ब्रांचेज में कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ तो इस समय पर कंप्यूटर साइंस में लगभग 1.5 से 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं यूजीसेट की बात करता हूँ तो कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको उन 1 लाख बच्चों के अंदर टॉप 300 रैंक्स के अंदर आना है। आपको उन 1 लाख लोगों से कम्पीट करना है। जब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो इमेजिन करो कोई एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा प्रिपेयर कर रहा है। जब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर कोई और प्रिपेयर नहीं कर रहा, समझो। देखो टॉपर्स में नॉर्मल पर्सन में डिफरेंस क्या होता है, एक टॉपर तब जो नॉर्मल पर्सन करता है वो तो करना ही करना है, ठीक है। एक अगर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन 10 घंटे पढ़ता है दिन में, तो टॉपर तो 10 घंटे पढ़ाएगा ही पढ़ेगा, लेकिन उससे एक्स्ट्रा उससे आगे जब वो जो दूसरे लोग हैं जहाँ पर वो लोगों की रेंज रुक जाएगी, जहाँ पर वो लोग बोलेंगे बस अब मेरे बस की नहीं है, तब उसके आगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एफर्ट करना है, वो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ एफर्ट है वो आपको एक टॉपर बनाता है। अब लोग करते क्या हैं, मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, लोग मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अब वो मोटिवेशन के जो वीडियोस हैं ना, वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहती है, 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, लेकिन 3 दिन के बाद वो मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है। अब जब वो मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो गई, उस समय पर आपको कौन ड्राइव करेगा? लोग सोचते हैं कि यार मैं मोटिवेशन वीडियो देखूंगा और उससे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी, लेकिन एक्चुअल में मोटिवेशनल वीडियोस देखकर मोटिवेशन नहीं आती। आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होनी चाहिए। अगर वो मोटिवेशनल वीडियो से आपके पास मोटिवेशन आ रही है, तो रिमेंबर दिस थिंग दैट मोटिवेशन इज टेम्प्ररी, और जो टेम्प्ररी मोटिवेशन है दैट इज नेवर गोइंग टू लीड यू टू सक्सेस। टू गेट टू सक्सेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड। आपको अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, आपको अंदर से सोचना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को अंदर से प्रिपेयर करना चाहिए, अंदर से आपको प्लान करना चाहिए। इस समय पर जिस समय पर दूसरे लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे, इस समय पर जिस समय पर दूसरे लोग ढीले पड़ जाते हैं, आपको उसी समय पर अपना 100% देना है, आपको उसी समय पर अपनी 100% देकर सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सक्सेस लेना इज़ नॉट ईजी, काफ़ी लोग एफर्ट करते हैं, ठीक है। Every day in, day out, people are working, they are working hard. Can you imagine some people in the world? Like for example, अगर हमारी मेरी टीम के लेकर अगर आप बात करो तो मेरी जो टीम है they are working at least 16 hours a day. मैं अगर ऑफिस में 16 से 17 घंटे रहता हूँ काम करने के लिए, तो वो लोग मेरे साथ 16 से 17 घंटे रह के काम करते हैं। अब ये इमेजिन करो कि हम लोग किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक जो आदमी है, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं 2 लोगों का काम एक साथ करता हूँ, ठीक है। दैट इज़ वाई जो सक्सेस आप 2 साल में हासिल करोगे, मैं उसी सक्सेस को 1 साल में हासिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए डबल एफर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, क्या आप सक्सेस होने के लिए डबल एफर्ट कर रहे हो? अगर आप सक्सेस होने के लिए डबल एफर्ट कर रहे हो तो 2 साल की सक्सेस आपको 1 साल में मिल जाएगी, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एफर्ट्स पुट करो, और इतने एफर्ट्स पुट करो जो दूसरे लोग नहीं पुट कर रहे हैं। लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करो, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तब जाके आपको कुछ एक्स्ट्रा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो छोटे से वीडियो से ये छोटा सा वीडियो मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये छोटा सा वीडियो मैं तुम्हें इसलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा जाग जाओ, उस समय पर प्रिपेयर करो जिस समय पर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टाइम है प्रिपरेशन का ना, अभी अगर यूजीसेट का एग्ज़ाम 6 महीने बाद है या 1 साल के बाद है, अभी हमें डेट्स नहीं पता, अगर 6 महीने बाद है तो आप 6 महीने से एक उस एग्ज़ाम के डेट से 1 या 2 महीने पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 6 से 7 महीने का आपको टाइम चाहिए यूजीसेट का प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर कोई गेट का बच्चा मेरे पास आएगा कि सर मेरे पास फरवरी में मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए 1.5 महीना बचा हुआ है, अब मुझे तैयारी करनी है। अब सोचो अगर आप 1.5 महीना पहले तैयारी करने लग रहे हो, अब 1.5 महीना पहले आपने तैयारी करनी शुरू करी, तो आप किसी भी तरीके से उस एग्ज़ाम के अंदर टॉप रैंक ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने सिलेबस ख़त्म करने के लिए ही आपको 400 से 500 घंटे चाहिए। अगर आप सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर सकते तो आप कैसे उसके अंदर टॉप रैंक्स लेके आओगे? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे तभी आप सक्सेस ले पाओगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि सब्जेक्ट्स के हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान रखो, इस चीज़ को गांठ बांध दो कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी से तैयारी करो,
उस समय से तैयारी करो जहाँ पर दूसरे लोग सो रहे हैं, जब उनको नहीं नहीं पता कि हमें तैयारी करनी है, ठीक है। उनको वो लोग जागेंगे एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, अभी सही टाइम है। अगर आप रिसेंट की तैयारी करें तो अभी सही टाइम है कि अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू करो। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस समय पर जो प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है, तो ट्रस्ट में इन 1-1.5 महीने के अंदर आप टॉप रैंक्स नहीं लेके आ सकते, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सालों से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट 6 महीने चाहिए और 6 से 8 महीने चाहिए ही चाहिए टू गेट इनटू टॉप रैंक्स। देयर इज वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, काफ़ी कम लोग हैं ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि 2-3 महीने की प्रिपरेशन से टॉप रैंक ले आते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ वो ऑलरेडी टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, उन 2-3 महीने में उनको सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो अब उन अपने आप को उन लोगों से कंपेयर मत करो, प्रिपरेशन करना शुरू करो और अपना 100% दो। अगर आप 100% दोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।